अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। तो आपके सिलेबस के अंदर दो एप्लीकेशन दी हुई हैं, एक तो हमारे पास है ज़ीरोग्राफी और दूसरा है इंक जेट प्रिंटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 12.4 है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके अंदर दो एप्लीकेशन दी हुई हैं, एक है ज़ीरोग्राफी और दूसरा है इंक जेट प्रिंटर। अब ज़ीरोग्राफी क्या है? ज़ीरोग्राफी बोलते हैं फोटोकॉपियर को, यानी कि आपके पास कोई पेज है, ठीक है, आप उस पेज जैसा एक नया पेज बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ज़ीरोग्राफी। ये जो आम रूटीन में आप यूज़ करते हैं फोटोकॉपियर, जो मशीनें होती हैं फोटोकॉपी करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो बेसिकली फोटोकॉपी करने का जो अमल है इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोग्राफी बोलते हैं। अब ज़ीरोग्राफी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक है ज़ीरोस और दूसरा है ग्राफोस। ठीक है जी, तो ये दोनों अल्फाज जो हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं दोनों, ठीक है, ग्रीक जबान के ये लेटर्स हैं और इन दोनों को जब मिलाएं तो ये बनता है ड्राई राइटिंग। इसका मतलब क्या बनता है? ड्राई राइटिंग। तो आप कह सकते हैं ज़ीरोग्राफी जो है ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम ड्राई राइटिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पर आएँ तो इसमें आप देखें शक्ल 12.11, ठीक है, तो इसमें ये सारा प्रोसेस ने दिखाया हुआ है, ये जो फोटोकॉपियर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। फिगर 12.11 इलस्ट्रेट्स ए फोटोकॉपी मशीन, कि ये जो शक्ल है 12.11 इसके अंदर जो है फोटोकॉपी मशीन दिखाई गई है। द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी, कि कॉपी करने का जो अमल है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोग्राफी बोलते हैं। फ्रॉम ग्रीक वर्ड ज़ीरोस एंड ग्राफोस, तो ये जो ज़ीरोग्राफी है ये किस से ड्राइव हुआ है? दो ग्रीक लेटर से, ज़ीरोस एंड ग्राफोस। अब इनका मीनिंग क्या है? ड्राई राइटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ड्राई राइटिंग। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है द हर्ट ऑफ मशीन इज़ ए ड्रम, कि इसका जो हर्ट है वो एक ड्रम की तरह है। अब ये बना हुआ किस चीज़ का है? विच इज़ एन एलुमिनियम सिलेंडर, ये एलुमिनियम का ये एक सिलेंडर बना हुआ है, कोटेड विद ए लेयर ऑफ सेलेनियम, और इसके ऊपर जो है सेलेनियम की तह चढ़ाई गई है। एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, कि ये जो एलुमिनियम है चूंकि धात है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बेशुमार होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलुमिनियम जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ आप देखें, सेलेनियम इज एन इंसुलेटर, कि सेलेनियम क्या है? इंसुलेटर है। किस में? इन डार्क, अंधेरे में वो क्या है? एक इंसुलेटर है। एंड बिकम ए कंडक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, कि जब इसके ऊपर रोशनी गिराई जाती है तो क्या हो जाता है? ये सेलेनियम भी कंडक्टर बन जाता है। यानी कि जो फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपिंग मशीन जो है, इसका जो हर्ट है ना सिलेंडर नुमा, वो किस चीज़ का बना होता है? एलुमिनियम का, और एलुमिनियम एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब इस एलुमिनियम के ऊपर जो है एक तह चढ़ा दी जाती है सेलेनियम की, जो सेलेनियम है वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। किस में? डार्क में, यानी कि अंधेरे के, अंधेरे में अगर आप हैं तो वो सेलेनियम जो है वो एक इंसुलेटर होगा, लेकिन अगर आप इस सेलेनियम के ऊपर लाइट गिरा दें तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इस सेलेनियम को हम बोलते हैं फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी धात जो रोशनी की मौजूदगी में कंडक्टर हो, या ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोशनी की मौजूदगी में कंडक्टर हो, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी, हीट जो है वो पास कर जाए, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ तक आपने जो है जस्ट इसकी डेफिनेशन चूँकि करनी हमने ज़ीरोग्राफी की भी और इंजेक्ट प्रिंटर की, तो ज़ीरोग्राफी की यहाँ तक आप डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद इंक जेट प्रिंटर है। एन इंक जेट प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर, कि ये जो इंक जेट प्रिंटर है ये एक किस्म का प्रिंटर है, जैसे मैंने इसकी हेडिंग यहाँ पे दी है इंक जेट प्रिंटर्स। ठीक है जी, इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर, ये प्रिंटर की एक किस्म है विच यूजेज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन,
ये अपना काम जब करेगा, यानी कि जब ये कॉपी करता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है, तो किस चीज़ को यूज़ करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है। ठीक है जी, तो जस्ट आपने इसके बारे में इतना ही लिखना है आज के लेक्चर के अंदर। जस्ट आपको ये दोनों तरीफें समझानी थी, दोनों डेफिनेशन समझानी थी। ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाती है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत अहम है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।